श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन श्रवण करेंगे कि मनुष्य का जीवन नाशवान है, इसलिए इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। संसार के मोह माया को त्याग कर मन में वैराग्य धारण करके सत्संगति करनी चाहिए और भगवान का नाम सिमरन करना चाहिए। उपदेश दिया गया है, तिरदावस्था शरीरस्य कृमि विदभस्म रूपते किम गर्भ क्रियते देहे प्रसन्न विध्वंससी वीर नरै। इस शरीर की अंतम समय में तीन अवस्थाएं ही होती हैं, या कृमि रूप बन जाता है, या विष्टा रूप बन जाता है, या भस्म रूप बन जाता है। फिर इस शरीर पर क्या गर्भ है? इस शरीर पर गर्भ नहीं करना चाहिए, यह नाशवान है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे मानव, जिस दिन मन रूपी पक्षी उड़ जाएगा, जिस दिन तेरे प्राण पखेरू उड़ जाएंगे, उस दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते झड़ जाएंगे। अर्थात मृत्यु के होने पर शरीर का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस शरीर का हे मानव घमंड न करो। मर जाने पर इस शरीर को गीदड़, कौए और गीद ही खा डालेंगे। शरीर की तीन ही गति होंगी, या तो कृमि रूप होगा, या विष्टा रूप होगा, या भस्म रूप होगा। इस शरीर को अब तुम बड़ा श्रृंगार कर रखते हो, पानी से मलमल कर धोते हो, उसे सुंदर बनाते हो, रंग रूप पर रीझते हो, यह सब समाप्त हो जाएगा। अभी शरीर के मोह को आपने नहीं छोड़ा है, परंतु शरीर पर गर्व करना व्यर्थ है। इस संसार के जिन स्त्री पुत्रों से स्नेह करते हो, मर जाने पर वे ही आपसे घृणा करेंगे। घर के लोग कहेंगे कि इसे शीघ्र ही घर से बाहर निकालो, नहीं तो भूत बनकर सबको खा लेगा। जिन पुत्रों को तुमने बड़े प्यार से पाला और जिनके हित के लिए आप देवी देवताओं को मनाते रहे, वे ही स्वर्गवास होने पर कपाल क्रिया करते समय बांस की लाठी लेकर तुम्हारी खोपड़ी को तोड़ेंगे। इसलिए हे मूर्ख, आज ही सत्संगति में बैठकर सत्संगति कर, संतों से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। मनुष्य जन्म धारण करके यदि तू भगवान का दास नहीं है, तो जमराज की मार खानी ही पड़ेगी। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु के भजन के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गवा देगा। भक्त सूरदास जी का परम पवित्र पद श्रवण करें। जा दिन मन पंसे उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर को सभी पात झरी जाई हैं। या देही को गर्व न करिए, स्यार काग गिद खई हैं। तीन नाम तन विष्टा कृमि हुई, नातर खाक उड़ई हैं। कहें वह नीर कहाँ वह शोभा, कहें रंग रूप दिखई हैं। जिन लोगन सो नेह करते हैं, ते देख घिनई हैं। घर के कहत सवारे काढ़ो, भूत होए घर खई है। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपाल्यो,
देवी देव मनई हैं, तैले बांस दियो खोपरी में, शीस फाट बिखरई हैं, अज हूँ मूड करो सतसंगति, संतत में कुछ पई हैं, नरबपो धारी नाही जन हरि को, यम की मार सुखी हैं, सूरदास भगवंत भजन बिना विरथा सुजन गवई हैं, यादिन मन वंशी उड़ जय हैं, तादिन तेरे तनु तरवर के सबे पात झर जय हैं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।